ग्लोबल कोलकाता आइए आज आपको दिखाते हैं एक न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 पे एकदम नोवोटेल एक्सिस मॉल के पीछे एक हाई राइज प्रोजेक्ट जी प्लस 12 जिसका ये है 3 BHK सबमिट है जो 1445 स्क्वायर फीट का है और ये है उसका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन का एक सुंदर व्यवस्था दिया गया है और इसे देखिए इसे अटैच बालकनी भी है जिससे आपको बहुत सुंदर एक व्यू भी दिखाई देगा। लिविंग और डाइनिंग स्पेस के साथ में आपको मिल जाता है एक बहुत ही बढ़िया वाटर स्पेस। आइए आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का पहला बेडरूम जो कि है 14x8 का एक बेडरूम जिसमें एक फ्रेंच विंडो भी दिया गया है उससे भी आपको बहुत बढ़िया एक व्यू दिखाई देगा। आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे बेडरूम में। लिविंग और डाइनिंग एरिया छोड़कर ही आपको मिल जाता है एक किचन स्पेस इसके साथ है आपका अटैच जाता है कॉमन वॉशरूम। आइए आइए आपको ले जाते हैं सेकेंड बेडरूम में जिसका साइज है आपका 11x10 का और इसमें आपका इसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन का सुविधा है यहाँ पर ये विंडो है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा विंडो जिससे भी आपको बहुत बढ़िया पूरा व्यू दिखाई देगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एक वाटर स्पेस ऑल्सो। और आइए आपको थर्ड और जो मास्टर बेडरूम है उसकी तरफ लेके चलते हैं। इसका साइज आ जाएगा आपका 10x12 का जिसमें आपको मिल जाता है एक अटैच बालकनी। आइए जिससे आपको एक्सिस मॉल नोवोटेल सामने ही आपको पूरा दिखाई दे रहा है समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस में है ये प्रोजेक्ट। और ये मास्टर बेडरूम है इसके साथ ही आपको मिल जाता है ऑल अटैच कॉम वॉशरूम। आइए इसमें आपको बेसिन कॉमोड एंड शावर का पूरा प्लम्बिंग का पूरा सिस्टम आपको दिया हुआ है अटैच एंड देखिए यहाँ पे शावर का व्यवस्था किया हुआ है और इसके ऊपर ही आपको एक स्पेस मिलता है जिसमें आप कोई भी सामान छोटा मोटा घर का वहां पर रख सकते हैं। और किचन में एक साइड में आपको ब्लैक स्टोन का सेटअप दिया गया है और इसमें भी आपको प्लम्बिंग किया हुआ है और पॉइंट्स जैसे फ्रिज रखने का जगह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आइए आप इसे देख सकते हैं ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया कितना बड़ा है और सबसे बड़ा मजेदार चीज है इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही बढ़िया से व्यवस्था किया गया है। आशा करते हैं आपको हम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस प्रोजेक्ट के बारे में इस फ्लैट के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।